वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स बिल्कुल टाइम पर पूरी अच्छी तरीके से इसको कवर करवाया जा चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके सिलेबस का जो पार्ट था जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिट वन आपका इंट्रोडक्शन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूनिट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हर यूनिट इंपॉर्टेंट है यूनिट टू नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग जिसमें आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड वैल्यू एडिशन मेथड और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी और इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेशन हम रियल जीडीपी को मानते हैं या नॉमिनल जीडीपी को मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर करा साथ में हमने बहुत सारे टर्म्स को समझा डोमेस्टिक टेरिटरी को समझा नॉर्मल रेजिडेंशियल स्टेटस को समझा नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड नहीं करते डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं डबल काउंटिंग क्या होता है इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को लेते हुए हमने अपने यूनिट नंबर टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कवर करा और इसमें हमने अपने सर्कुलर फ्लो को भी समझा आपने जो ट्वेल्थ तक में सर्कुलर फ्लो जो आपने पढ़ा था वो सिर्फ क्लोज इकोनॉमी मॉडल में था बट यहां पर आपने थ्री इकोनॉमी मॉडल एंड फोर इकोनॉमी मॉडल में भी आपने सर्कुलर फ्लो को पढ़ा जिसमें गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर भी था तो इसके साथ में हमने नेशनल अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम को कवर करा उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ जी जो जि, जिसमें कि आपके आपको कंजम्शन uh, फंक्शन क्या होता है इनकम फंक्शन क्या होता है और आपका जो है एग्रीगेट uh, डिमांड क्या है एग्रीगेट सप्लाई क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है इन सभी टॉपिक को कवर किया आपने और इसमें बहुत बारीकी से आपने समझा एम पी सी एम पी की भूमिका क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में न्यूमेरिकल तो 100 परसेंट आएगा ही आएगा वो आपका यहाँ से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा इसको कवर करा देन उसके नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट इसके अंदर फिर हमने नोमेरिकल्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं इसको फिनिश करने के बाद फिर मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी इसको हमने फिर पूरा कंप्लीट करा है तो सबसे पहले तो आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए जो सिलेबस का पार्ट है जो कोर्स है उसको तो आपको कवर करना ही होगा जो कि हम लोगों ने इसको कवर कर लिया लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है इसके बाद ही असली कहानी शुरू होती है इस कोर्स को करने के बाद वो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो कि मैं आपके साथ में आज की क्लासेस से स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें आपके पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ से आपको बताता भी चलूँगा बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार क्वाइरीज होते हैं कि सर क्या आप टेन ईयर करवाएँगे बिल्कुल मैं टेन ईयर आपको आज की क्लासेस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो बच्चे सिलेबस आपका है सिलेबस आपके पास में है कंटेंट में है एग्जाम से काफी पहले आपको सिलेबस अच्छे तरीके से कंटेंट में मैनेज करके दे दिया है पीडीएफ के साथ में आपको सिलेबस आपका मिल गया है अब सीरीज अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेन ईयर के साथ में क्लियर है बच्चे तो आइए आज की क्लासेस में आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी कंटेंट में है मैं उसका एड्रेस दूंगा कि कंटेंट में वो कहां पर आपको अवेलेबल होंगे तो 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सॉल्व करवाने जा रहा हूं दो में आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था कि डिफाइन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोमिक्स आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज द मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकेस कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना था और मेजर इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये ये क्वेश्चन आपका तो बच्चे सबसे पहले ये आपको आपका यूनिट वन में आपको मिल जाएगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट में जाएंगे सबसे टॉप पर आपका यही रहेगा और उसका नाम भी यही इसी नाम से होगा ये आपका कंटेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें आप वीडियो नंबर वन टू एंड थ्री आप देख लें वीडियो नंबर वन में आपको उसका टाइटल होगा वीडियो नंबर का मैक्रो मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो और वीडियो नंबर टू का आपका टाइटल रहेगा इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड ये इशूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट ये इशूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये आपके पास में आपका यूनिट वन में जाइए आप जिसका नाम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके अंदर वीडियो नंबर वन वीडियो नंबर टू वीडियो नंबर थ्री पे जाइए क्लास पे और उनके उस लेक्चर के ऊपर ये ये टाइटल का नाम आपको है आप इजीली आपका अवेलेबल है तो ये क्वेश्चन जो 2022 में क्वेश्चन में फर्स्ट आया था सो करवाने की नीड नहीं है ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवाए आप यहाँ पर जाकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू का डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स तो ये बच्चे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो यूनिट टू है आपका उसके अंदर अन्द, उसके अंदर में अगर आप जाएंगे वीडियो नंबर टू पे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स तो वीडियो नंबर टू पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आप वहां जाकर के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मैं फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊंगा दो हजार तेईस बाईस इक्कीस बीस ये क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा वो जो कि आपके ऑलरेडी कंटेंट में है मैं उसका एड्रेस दूंगा कि कंटेंट में यहां पर है इस तरीके से आप इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं कि भैया आपका ये क्वेश्चन जो है दो का जो पार्ट ए पूछ रहा है आपसे कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का बीच में डिफरेंस क्या है तो ये आपके पास में आपको कंटेंट में यूनिट नंबर टू जो कि ऊपर फोल्डर पर नाम लिखा हुआ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वीडियो नंबर मैंने क्लास नंबर टू पर जाएंगे और आपको फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का आपको डिफ्रेंशिएट और इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा क्लियर है बच्चे तो आप इजिली इस पीडीएफ के थ्रू अपने आंसर पर जा सकते हैं जो कि मेरे कंटेंट में ये चीजें अपडेटेड है अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी पर मैं आ रहा हूं पार्ट बी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द रियल जी डीपी वाई इज द रियल जी डी पी अटर इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ अ नेशन ये भी बच्चे अकाउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम के अंदर आपको लास्ट के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे कहां पर मिलेंगे आपका यूनिट टू पे ही जाइए आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग देख लीजिएगा आपके पास है पार्ट ए पार्ट भी यूनिट टू सा है पूरा फिफ्टीन मार्क्स का है आपका और इसमें कहां पर मिलेगा आपको इस यूनिट में यूनिट टू पे जाएंगे तो आपको लेक्चर नंबर एटीन एंड लेक्चर नंबर ट्वेंटी पे जाकर के आपको मिलेगा वैल्यू एडिट मेथड के नाम से बट तो थोड़ा सा नुमेरिकल हमने करे थे उसके बाद फिर आपका रियल जीडीपी एंड नोमिनल जीडीपी आपका स्टार्ट हो गया था तो आपको ये वीडियो नंबर 18 पे आपको मिल जाएगा और वीडियो नंबर 20 पे मिल जाएगा इंडिकेटर ऑफ द नेशनल वेलफेयर द सोशल वेलफेयर तो ये आपको वीडियो नंबर ट्वेंटी पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी आपको यहां पर आपको मिल जाएगा आप कंटेंट में देख सकते हैं क्लियर है बच्चे अब बच्चे हम बात करते हैं डिफाइन द कंजम्शन हाउ डज द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द कंजशन स्पेंडिंग तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके कंटेंट में नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको आज की क्लासेस में सॉल्व करवाऊंगा तो आइए पहले पार्ट ए हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट ए क्वेश्चन नंबर बच्चे थ्री और इसका हमारे पास में है पार्ट ए तो कह रहे हैं डिफाइन द कंजम्पशन बेसिकली कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टू सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स कंजम्पशन है क्या क्या है कंजम्पशन पहला क्वेश्चन है आपका कि सर कंजम्पशन पूछ रहा है डिफाइन द कंजम्पशन तो क्या बोलेंगे आप एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस यही कहेंगे बच्चे आप कंजम्पशन को कंजम्पशन बेसिकली क्या है जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेस एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेस टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांड्स टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांड्स यही बच्चे कंजम्पशन लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कंजम्पशन का रिलेशन हमारे इनकम से होता है अगर मैं अपने इनकम की बात करूं बच्चे ये जो थ्योरी है जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग है ये केन्स के अकॉर्डिंग है ये केन्स की थ्योरी है केन्स क्या कहते हैं कि हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम पर डिपेंड करता है इनकम पे नहीं हमारे डिस्पोजिबल इनकम पे डिपेंड करता है देखिए दो चीजें इनकम एंड डिस्पोजिबल इनकम दोनों में डिफरेंस है आपको समझना होगा पहले इनकम क्या, क्या होता है इनकम क्या को आप y से डिनोट करते हैं एंड डिस्पोजेबल इनकम को आप वाई डी से डिनोट करते हैं क्लियर है बच्चे इनकम क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे uh, मेरी इनकम जो है इस मंथ में वन लाख रुपीस कंपनी से मेरी इनकम जनरेट हुई है बट मुझे इसमें क्या करना पड़ा इसमें मुझे एज अ टैक्स पे करना पड़ा गवर्नमेंट को क्योंकि एक लाख रुपए मेरी इनकम है तो मैं सारे के सारे इनकम उठा करके उसको एक्सपेंस नहीं कर सकता हूँ खर्च में नहीं कर सकता हूँ वो जो मेरी इनकम जनरेट होती है उसमें से सबसे पहले मुझे अपने इनकम पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर अपना एक टैक्स पे करा टैक्स अमाउंट मेरे पास है, example, रुपीज है। तो मैं पे करूंगा तो नाइन ही मेरे पास में बचेंगे डिस्पोज करने के लिए खर्च करने के लिए तो कितने बचेंगे मेरे पास में नाइन्टी थाउजेंड रुपीज तो इस नाइनटी थाउजेंड रुपीज को हम क्या बोलेंगे ये वन लाख रुपीज तो आपका इनकम है एंड नाइन्टी थाउजेंड रुपीज आपका डिस्पोजेबल इनकम है तो आपका एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है आपके इनकम पर डिपेंड करता है या आपके डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है बच्चे आपके डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है टैक्स पे करने के बाद जो बचा उस पे डिपेंड करता है आपका कंजम्पशन क्लियर है बच्चे तो केन्स कहते हैं कि भैया हमारा जो कंजम्पशन है वो बेसिकली हमारे डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है ये कौन कहते हैं ये कहते हैं केन्स अब हमारे पास में अब यहां पर हम बात करें बच्चे के आपके पास में जो इसका जो सिंपल इक्वेशन है कंजम्पशन का जो सिंपल इक्वेशन है कंजम्पशन में एक होता है बच्चे ए प्लस बी एन वाई ये होता है इसको लिखते हैं कंजम्पशन आप कहेंगे सर ए क्या है सी क्या है तो बच्चे सी तो कंजम्पशन है कि भैया आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं हमारे नेशन में कंजम्पशन का लेवल क्या है ए बच्चे ऑटोनोमस कंजम्पशन ए क्या है हमारा ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे जब आ, कुछ लोग घर बैठ गए थे उनके जॉब छूट गई थी तब भी उनकी इनकम का लेवल जीरो हो गया था तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे थे तब भी वो कुछ बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए कंजम्पशन कर रहे थे अब वो एक अलग बात है कि वो अपनी सेविंग से कर रहे हो या फिर वो लोन लेकर के कर रहे हो लेकिन जीरो इनकम के लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उस कंजम्पशन के लेवल को हम क्या बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं क्लियर है बच्चे तो कंजम्पशन में आपके पास में सबसे पहले ए तो रहेगा ही रहेगा चाहे आपकी इनकम हो या ना हो उसके बाद अपने बेसिक नेसेसरीज़ को फुलफिल करने के बाद और कितना कंजम्पशन आप करते हो ये डिपेंड करता, करता है भैया आपके इनकम का लेवल क्या है क्लियर है और इनकम का लेवल बेसिकली अब बी क्या है बी बेसिकली एमपीसी को डिपेंड करता है बी किस को किस पर डिपेंड बी मींस एम पी क्या होता है कि एमपीसी मीन्स क्या होता है मैं सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं पार्ट ऑफ इनकम पार्ट ऑफ इनकम पार्ट ऑफ इनकम विच इज एक्सपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस एमपीसी क्या है पार्ट ऑफ इनकम विच इज एक्सपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ये बच्चे क्या होता है उस बात को जरा समझिए एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि जो मेरी इनकम है वन थाउजेंड रुपीज है ठीक है और वन थाउजेंड रुपीज में मैं अपनी एंटायर इनकम का कंजम्पशन नहीं कर लूंगा यह बात आप भी जानते हैं एक कंज्यूमर का नेचर होता है कि इनकम का जो इनकम होते है कुछ पार्ट कंजम्पशन करते हैं कुछ पार्ट हम उसकी सेविंग कर लेते हैं तो इसमें से मैंने इसका कंजम्पशन करा सी कंजम्पशन मैंने इसमें से करा एट हंड्रेड रुपीज अरेस्ट ऑफ पार्ट मैंने क्या कर लिया ₹200 मैंने क्या करा सेविंग कर लिया अब मेरी इनकम जो है इंक्रीज होगी गई like लाइक 1500 हो गई 1500 हो गई तो मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई 500 तो केनज कहते हैं कि भैया इनकम के ग्रोथ से कंजम्पशन का भी ग्रोथ होता है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जितनी इनकम का ग्रोथ होता है वो उतना ही कंजम्पशन का ग्रोथ नहीं होता है फॉर एक्जाम्पल आपकी इनकम 500 बढ़ गई है एग्जाम्पल लेता हूं आपके जैसे मान लीजिए कि डैडी की सैलरी बढ़ जाती है बीस हजार इस महीने इंक्रीमेंट हो जाता है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का क्या अगले महीने ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाने लग जाए घर में हाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एग्री करता हूँ बट जितना इनकम बढ़ा वो सारा का सारा आप खर्चे नहीं बढ़ा देंगे उसमें से कुछ पार्ट बढ़े हुए पार्ट में से कुछ पार्ट पार से पार आप सेविंग में डाल देंगे तो केंच कहता है कि जितनी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है बट कंजम्पशन उस लेवल पर नहीं बढ़ता है अगर इनकम इतनी बढ़ी तो कंजम्पशन इतना बढ़ा क्लियर है बच्चे तो ये केंच कहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर फाइव हंड्रेड रुपीज़ इनकम बढ़ी तो मैं यहाँ पर थ्री हंड्रेड रुपीज़ कंजमशन में डाल देता हूँ इस फाइव हंड्रेड रुपीज़ का तो इट मींस इलेवन हंड्रेड रुपीज़ का मेरा कंजम्पशन हुआ और रेस्ट ऑफ पार्ट जो मेरे पास में अब सेविंग जो है वो फोर हंड्रेड रुपीज़ मेरे पास में हो रहे हैं क्लियर है बच्चे तो जो इनकम में चेंज होता है उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन पे भी डाइवर्ट होता है और सेविंग पे भी डाइवर्ट होता है अब बच्चे मैं आपको समझा रहा हूँ इससे मैं एम के बारे में समझा रहा हूँ कि क्या होता है अब बच्चे मेरे इनकम में कितना चेंज आया तो चेंज इन सॉरी मेरे कंजम्पशन में चेंज कितना आया तो चेंज इन कंजम्पशन मेरे पास में आए थ्री हंड्रेड रुपीज और मेरे इनकम में चेंज कितना है इनकम में चेंज मेरे पास में आए बच्चे फाइव हंड्रेड रुपीज़ अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे इनकम में चेंज का कितना पार्ट मेरे कंजम्पशन में ट्रांसफर हो गया तो मैं देख रहा हूं जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स मतलब कि अगर आप जीरो पॉइंट सिक्स को मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा इट मीन सिक्सटी परसेंट तो ये इस ये मैसेज दे रहा है कि आपके इनकम में जो चेंज आता है उसका सिक्सटी परसेंट आप अपने कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर देते हो सौ रुपए का चेंज आएगा तो उसको उसमें उस से आप जो है सिक्सटी रुपीज ट्रांसफर कर दोगे हजार रुपए का चेंज आएगा तो आप छह सौ रुपए उसमें से कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर दोगे तो इनकम का कितना हिस्सा आप अपने कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं इट्स कॉल्ड बच्चे इसी को हम बोलते हैं एम पी सी तो एम पी सी का फॉर्मूला भी हो गया ऑलरेडी आप जब कोर्स वाले वीडियो देखें तो ये बताया हुआ है कुछ टर्म्स पर इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए क्या करना है आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूं तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास में क्या ये एम पी सी और एमपीसी क्या बताता है कि इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर रहे हो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आया बच्चे क्या है फॉर्मूला और Y मींस क्या आपके पास है Y मींस डिस्पोजेबल इनकम Y मीन्स क्या हो गया आपका इनकम तो यहां पर इस फॉर्मुला आपको कहता है कंजम्पशन इक्वल्स टू एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन करोगे करोगे प्लस इनकम पूरी इनकम का कंजम्पशन नहीं कर लोगे उसका कितना पार्ट B मतलब कि लाइक B मीन्स जैसे आया था ना आपका जीरो पॉइंट सिक्स इसको हम बी बोलते हैं अगर आप देखो तो अभी मेरे इनकम में चेंज कितना आया था मेरी इनकम जो है इस साल पांच सौ रुपए का चेंज आया था उसका मैं कर दूंगा जीरो पॉइंट सिक्स तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो पॉइंट सिक्स का तो थ्री हंड्रेड रिजल्ट आया ना जो मेरे कंजम्पशन पर ट्रांसफर हुआ क्लियर है बच्चे तो ये बी वाई है तो ये मेरे कंजम्पशन का फंक्शन है इससे मेरे कंजम्पशन लेवल का पता लगता है और केंज क्या कहते हैं केंज कहते हैं कि इनकम में जो चेंज आता है उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन पे और कुछ पार्ट सेविंग में ट्रांसफर होता है जितना चेंज इनकम में होता है उतना चेंज हमारा जो है कंजम्पशन में चेंज उतना नहीं आता है पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे आते हैं आपके डिफाइन द कंजम्पशन तो कंजम्पशन फंक्शन डिफाइन कर दिया पूरी तरीके से कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपका कंजम्शन फंक्शन इक्वल्स टू ए प्लस एम पी सी मीन्स बी एंड वाई वाई को आपको डिस्क्राइब करने में दो चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी एक इनकम एंड एक डिस्पोजेबल इनकम इनकम जो आप अर्न कर रहे हो उसमें से टैक्स पे करने के बाद जो आप के पास बच जाता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है तो आपका कंजम्पशन बेसिकली आपका डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है क्लियर है बच्चे और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें हाउ डज द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द कंजशन भैया इंटरेस्ट रेट आपके कंजम्पशन को कैसे अफेक्ट करता है क्वेश्चन ये है मेन क्वेश्चन अब देखिएगा मैं दो चीजों को ले रहा हूं इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट और एक मैं आपका ले रहा हूं कंजम्पशन, ठीक है ना इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पशन। अब देखिए बच्चे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है इकोनॉमी में लाइक बैंक पंद्रह पंद्रह बीस बीस परसेंट आपको एफ पे इंटरेस्ट पे करने लग जाए बैंक में बीस परसेंट का मतलब क्या हुआ आपको पता है कि आप एक लाख रुपये रख रहे हैं अगले साल एक लाख बीस हज़ार हो जाएगा बीस परसेंट साल का आपको रिटर्न मिल रहा है वो भी कंपाउंडेड मिल रहा है तो मोटा मोटा आप एज अ सिंपल इंटरेस्ट भी देखेंगे तो बीस परसेंट साल का रिटर्न मिल रहा है तो पाँच साल में सौ परसेंट पाँच साल में पैसा आपका डबल हो जा रहा है आपके पास में दो लाख रुपये रखे हुए हैं आप क्यों सोचोगे इसका मैं कुछ कंजमशन कर लूँ आप बोलोगे दो लाख को बैंक में रख देता हूँ दो लाख के चार लाख हो जाएंगे तो जब भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फिर लोग क्या करते हैं अपनी सेविंग करते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसको लेना चाहते हैं तो जब भी लोग अपने सेविंग करते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका कंजम्पशन क्या होता है कंजम्पशन आपका डाउन हो जाता है क्लियर है बच्चे और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बहुत कम रिटर्न मिल रहा है तो लोग सोचते हैं कि इस रिटर्न में तो कुछ खास होने वाला है नहीं चलो इसको हम कंजम्पशन ही कर लेते हैं तो कंजम्पशन क्या करता है बढ़ा देता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझ में आया आपको अब आप देखिएगा अपनी पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करिएगा कंजम्पशन इज डिफाइंड एज अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बाय द गुड्स ये कंजम्पशन आप आप एक्सपेंस कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू दैट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम देखिएगा ये क्या है कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में एक रिलेशन है मैंने रिलेशन बताया था इन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब आ रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द डिस्पोजेबल इनकम

कंजन इनकम में डायरेक्ट रिलेशन है इनकम बढ़ेगी तो आपके कंजम्पशन ज्यादा होने लग जाएंगे इनकम कम होगी तो आपके कंजम्पशन कम होने लग जाएंगे क्लियर है इट इंप्लाइज दैट वेन द इनकम इंक्रीज द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज वैन द इनकम फॉल्स द कंजम्पशन ऑल्सो फॉल्स केन्स एडवोकेटेड दैट वेन द इनकम इंक्रीज इनकम जब बढ़ती है कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट बाय द लेस देन द इंक्रीज इन इनकम इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना कि इनकम बढ़ा है उससे कम बढ़ता है ये बात मैं बता रहा था आपको दिस इज कॉल्ड द केन्स साइकोलॉजिकल लो ऑफ कंजन क्लियर है बच्चे कई बार क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भैया केन्स लो क्या कहता है तो ये केन्स लो है कि जो इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में चेंज आएगा बट उतना नहीं जितना कि इनकम में चेंज आया दिस लो फर्दर द स्टेट द पीपल हैव आर द टेंडेंसी टू द स्पेंड ऑन द मोर ऑफ द कंजम्पशन वेन देयर इनकम इज इंक्रीज बट नॉट द सेम एक्सटेंट एज द इंक्रीज इन द इनकम बिकॉज अ पार्ट ऑफ द इनकम इज सेव्ड इनकम कुछ हिस्सा बचाया भी जाता है अब यहां पर एक आंसर था इसमें ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास से पूरे इनकम क्या इंसान इन, की इनकम कहाँ जाती है कंजम्पशन पे जाती है और सेविंग पे जाती है लाइक आठ सौ रुपए का उसने क्या करा था इनकम में से कंजम्पन कर लिया था दो सौ रुपए उसने क्या किए थे बचा लिए थे तो कंजम्पन प्लस सेविंग एक कमा कितना रहा है वो थाउजेंड रुपीज अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम का आपको पता लग गया क्लियर है बच्चे समझ में आ गया अब इंटरेस्ट रेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है जो कि आपको अलग से हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा अ मेजर राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट द पीपल टू सेव अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पीपल को इंक्रेज करता है कंज्यूम लेस और कंजम्पशन लेस होता है ऑन द अदर हैंड फॉल इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द कंजम्पशन कंजम्पन देर आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पशन क्लियर है बच्चे ये बात समझ में आई आपको कोई डाउट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे पार्ट बी पर आप आ जाइए पार्ट बी क्वेश्चन नंबर थ्री है ए और बी पार्ट में फिफ्टीन मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है आपका तो मैं पार्ट बी क्वेश्चन नंबर थ्री का आपको सॉल्व करवा रहा हूं पार्ट बी क्या कहता है शो हाउ कंजम्पशन फंक्शन चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्सीज इन द इकोनॉमी तो बच्चे देखिए कंजम्पशन फंक्शन क्या है कंजम्पशन कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन क्या है बच्चे कह है कि जैसे इकोनॉमी के अंदर टैक्स की एंट्री हो जाए गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो कंजम्पशन फंक्शन में क्या चेंज आता है तो पहले कंजम्पशन फंक्शन तो समझिए क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस नॉट कंप्लीट इनकम पार्ट ऑफ इनकम पार्ट ऑफ इनकम पार्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड एम पी सी इज डिनोटेड बाय बी वन, क्लियर है बच्चे अब एक बात समझिएगा जब टैक्स अगर इकोनॉमी में टैक्स नहीं लगा अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स इकोनॉमी के अंदर हमारे इकोनॉमी में टैक्स नहीं है टैक्स अगर नहीं है तो आपको पता है जितना हमने कमाया वो सारा का सारा टैक्स हमारे पास में जीरो है मान के चलो टैक्स क्या जीरो है तो जितना हमने कमाया वह सारा का सारा ही हम जो है पैसा अपने घर लेकर के जा सकते हैं तो इनकम इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा अगर फॉर एग्जाम्पल टैक्स लगा नहीं तो जो मैंने कमाया वो सारा पैसा मैं इसको डिस्पोज कर सकता हूँ खर्च कर सकता हूँ वही मेरा डिस्पोजेबल इनकम हो गया तो अगर टैक्स नहीं लगा तो भैया आपके पास में तो ये फंक्शन बनता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई ये आपका बनता है क्लियर है बच्चे अगर आपका टैक्स नहीं लगा बट अगर आपका टैक्स लगा ये विदाउट टैक्स है ठीक है ना क्या ये कंजम्पशन फंक्शन विदाउट टैक्स तो भैया आपका ये है अब कंजम्पशन फंक्शन विद टैक्स क्या है तो कह रहा है टैक्स लगने पे क्या चेंज आता तो आप विदाउट टैक्स और विद टैक्स बता दो विद टैक्स अब जब विद टैक्स लगता है आपको तो आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा जो कि कैसे निकलेगा आपका वाई में से आप माइनस कर देंगे क्या टैक्स टी वाई टी वाई क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपसे कि भैया इनकम आपकी जो भी है दस हज़ार है तो इस पर टैक्स आपको बीस परसेंट देना पड़ेगा क्लियर है बच्चे बीस परसेंट तो आपका टैक्स का अमाउंट कितना हुआ तो आप क्या करोगे दस हज़ार रुपये पर आपको बीस परसेंट टैक्स बीस परसेंट टैक्स देना पड़ेगा बीस परसेंट लिख सकता हूँ मैं ज़ीरो पॉइंट टू तो इंटू ज़ीरो पॉइंट टू इसका मतलब ये है कि आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है बच्चे वो आपको थाउजेंड रुपीज टैक्स पे करना पड़ा तो टैक्स का अमाउंट कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला आपने आपने टैक्स 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 का अमाउंट कैसे ये को बेसिकली मैं क्या कर रहा निकालाउं रेट ऑफ टैक्स रेट इंटू इनकम कितनी थी आपकी इनकम आपकी थी टेन थाउजेंड रुपीज तो मल्टीप्लाई करा इनकम से तो ये क्या आया आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया एंड इनकम में से जब आप अपने टैक्स को सब्ट्रेक्ट कर देंगे क्लियर है बच्चे बात समझ रहे हैं इनकम में से अपने टैक्स को सप्टेट कर देंगे ये क्या है आपका ये आपका टैक्स है अमाउंट ऑफ टैक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्लियर है बच्चे अगर आप इनकम में से टैक्स को सप्टेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम और जब आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम आएगा देन सी इक्वल्स टू फंक्शन क्या बनेगा आपका कंजम्पशन फंक्शन का कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम का आप एक्सपेंस कर पा रहे हैं एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिस्पोजेबल इनकम क्या है बच्चे डिस्पोजेबल इनकम है आपका वाई माइनस टी वाई क्लियर है बच्चे ये बात समझ रहे हैं आप वाई माइनस टी वाई एंड आपके पास में सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए प्लस आप देखिएगा दोनों में वाई का है तो वाई आप कॉमन ले लो तो वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वन माइनस टी और ये क्या जाएगा आपके पास में वाई तो आप पहले देखिए विदाउट टैक्स में क्या था ओनली बी था और विदाउट टैक्स में एंड विद टैक्स में क्या है ए प्लस बी वाई यहाँ पर भी है सी इक्ल्स टू ए प्लस बी वाई यहाँ पर भी है लेकिन आपके पास में एक चीज़ देखें यहाँ पर यहाँ पर आपके पास में ये जो एम पी सी है ना वो आपका क्या है एम पी सी इक्वल्स टू बी वन माइनस टी हो गया और यहाँ पर एम पी सी क्या है यहाँ पर एम पी सी इक्वल्स टू ओनली बी एम पी सी इक्वल्स टू ओनली क्या है बच्चे एम पी सी इक्वल्स टू ओनली बी तो ये मेजर डिफरेंसेस है कि भैया आपके एमपीसी में चेंज आ जाता है जब आप टैक्स लगाते हो तो क्वेश्चन यही था कि जब आप अपने टैक्स लगाते हैं तो आपके कंजम्पशन फंक्शन में क्या चेंज आता है तो जब आप टैक्स नहीं लगाते हैं तो जो आपकी इनकम होती है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है जब आप टैक्स नहीं लगाते हैं तो बेसिकली आपकी इनकम के ऊपर ही आप अपना जो आपने कमाया उसका कितना पार्ट आप कंजम्पशन कर रही है वो ले लो एक ऑटोनोमस कंजम्पशन ले लो टोटल कंजम्पशन आपका आ गया क्लियर है लेकिन जब आपने टैक्स लगा दिया तो जो कमाया है वो उसका आप उसका आप नहीं करोगे जो कमा करके टैक्स भरने के बाद जो बचा है उसका कंजम्पशन करोगे इसको बी से कहते हैं हम तो हमने कमा करके जो टैक्स पे करा तो टैक्स टैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम टी वी टी वाई कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया आपको तो कमाया इतना उसमें टैक्स माइनस कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम आ गया अब मैं अपने डिस्पोजेबल इनकम का कुछ पार्ट ही कंजम्पशन कर सकता हूं तो अब डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डिस्पोजेबल इनकम को इससे और आपने देखा कि ए और वाई यहां भी कॉमन था ए वाई यहां भी कॉमन था बस एमपीसी यहां पर ओनली बी था और एमपीसी यहां पर क्या आ गया बी ब्रैकेट वन माइनस टी तो ये बेसिकली चेंज आएगा क्लियर है बच्चे बच्चे को डाउट क्या आप भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ट्वेल्थ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल होने वाली है क्योंकि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप जाइए मार्केट से बुक लेकर के आइए टेन लेकर के आइए और एक बार एक घंटे के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन को आप एक बार देखिए तो सही अगर एक क्वेश्चन भी ट्वेल्थ से मिल जाता है तो आप कहेंगे कि भाई मैं सही हूं सर गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका मात्र वहम है किताब का नाम मैक्रो और मैक्रो हो जाने से अंदर कंटेंट सेम नहीं हो जाता है बिल्कुल अलग है और यह बात भी मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम से दस दिन पहले आप लेकर के मैक्रो इकोनॉमिक्स को बैठोगे तो आप बिल्कुल भी और कुछ भी नहीं कर पाओगे सिर्फ पैनिक होने के अलावा तो आपके पास में बिल्कुल ये सही टाइम है कि आप सही टाइम पर आइए कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है कोर्स में क्या क्या कंटेंट अब आप आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं मैं सीरीज अब आप आपका स्टार्ट मैंने आज से कर दिया है टेन ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं बच्चे पूरा का पूरा कोर्स आपके कंटेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है तो बिल्कुल भी ना चुके हाँ अगर आपके माइंड में है कि हमें सिर्फ पास ही होना है बच्चे तो पास तो आप हो जाएंगे आप लास्ट के कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप पास वहां से भी हो जाएंगे लेकिन इस पासिंग मार्क्स से सिर्फ आपके जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है क्योंकि आप एम जैसे एग्जाम में और भी बहुत सारे आप एग्जाम में आप टीचिंग के लिए अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो आपके जीवन का तो उद्धार नहीं होने वाला है हाँ आपको ग्रेजुएट जरूर कहलाएंगे और ग्रेजुएट कहलाने के बाद आप ऐसे नारेबाजी भी कर सकते हैं कि भैया हम पढ़ लिख लिए हैं हमें कोई नौकरी नहीं मिल रहा है युवा बेरोजगार है हम किसी लायक नहीं है तो ऐसे इसके साथ में आपका पूरा जीवन आगे व्यतीत होगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी समय है आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़िए क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो भी करियर आप चुनोगे आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज वहां पर अर्चन पैदा कर देंगे क्लियर है बच्चे तो आपका बिल्कुल कोर्स है नए सिरे से नए तरीके से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कोर्स का आपको पूरा का पूरा आपके पास में डिस्क्रिप्शन आपके पास में है थैंक यू जी थैंक यू सो मच